वास्तु विज्ञान की आज इस कड़ी में हम यह जानेंगे कि भवन में यानी घर में पूजा स्थान, देव पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस टाइप की मूर्तियाँ फोटोएँ रखनी चाहिए आदि, थोड़ा सा इसका विस्तृत ब्यौरा हम जानेंगे। सबसे पहले कहाँ होना चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट जहाँ जुड़ती है, जिसको आप ईशान बोलते हो, ईशान दिशा, ईश्वर की दिशा, परमात्मा की दिशा, यानी नॉर्थ ईस्ट में पूजा का आला लगाना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट में भी दो दिशाएं हैं, एक ईस्ट की दीवार और एक नॉर्थ की दीवार, तो ईस्ट की दीवार पे वो पूजा का आला आपको लगाना चाहिए, ताकि हम जब पूजा करें तो हमारा जो फेस है वो ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर रहे, यह सर्वमान्य मत है। दूसरी चीज़, कई लोग पूछते हैं कि कितनी बड़ी मूर्तियाँ पूजा घर में रखनी चाहिए, लगानी चाहिए। अपने एक पुराना ग्रंथ मिलता है मेरे को, 1372 का ग्रंथ है, वत्थुविज्जा, वास्तुशास्त्र पे है पूरा, जैन भाई का लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा है कि घर मंदिर में 11 अंगुल से बड़ी मूर्ति घर के पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए, यानी 4 अंगुल, 4 8 अंगुल और 3 11 अंगुल, यानी 8 9 इंच जितना भी बनता है हेड ऑफ द फैमिली के हाथ से, उससे बड़ी मूर्ति ग्रस्त को घर में नहीं लगानी चाहिए। 1 अंगुल, 3 अंगुल, 5 अंगुल, 7 अंगुल, 9 अंगुल और 11 अंगुल, इस साइज की मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है घर में, और 11 अंगुल की श्रेष्ठतम मूर्ति घर में लगाने की आज्ञा दी है शास्त्रों ने। दूसरी चीज, कभी भी घर मंदिर में स्थिर प्रतिमा यानी फिक्स किसी भी मूर्ति को नहीं करना चाहिए, यानी जब हमारी मर्जी हो तो इसको साइड में करके, साफ मंदिर करके वापस वहीं विराजमान कर दें, यानी चलायमान ही मूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा कई लोग ये पूछते हैं कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। अब घर मंदिर में तो शास्त्रों में आया है कि बहुत बड़ा विशाल मंदिर, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उसमें रख कर पूरे घर को मंदिर कभी भी नहीं बनाना चाहिए, यह बहुत ही हानिकारक माना गया है कि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करना है, तो पूरे घर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ फोटोएँ चारों ओर नहीं लगाएं, अपने पूजा के आले में मूर्ति या फोटो जो आपकी इच्छा हो वो आपको लगानी चाहिए। कभी ये जो पब्लिक मंदिरों में बड़ा जो घंटा लगाते हैं, कई लोग घर मंदिरों में भी बड़ा घंटा लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपने शास्त्रों में भी आया है, एक उर्दू की लाल किताब है जो फारसी और इनके भाषा में लिखी हुई है, अब हिंदी में उसका ट्रांसलेशन आ गया, उसमें भी ये लिखा है कि बड़ा घंटा घर में लगाकर कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपकी इच्छा है तो वो एक जो छोटी घंटी होती है तो हम उठा के इधर रख लिया, वापस रख दी, बजा ली, फिर रख दी, वो भले ही आप रख लीजिए। इसके अलावा टॉयलेट, बाथरूम, सीढ़ियाँ और किसी भी प्रकार का पिलर, खंबा, उसके सामने पूजा घर या पूजा का आला नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के ऊपर, स्टेयर केस के ऊपर और स्टेयर केस के नीचे कभी भी भगवान का पूजा का आला स्थापित नहीं करना चाहिए। फिर ये कहा है, कई लोग ये जो गणेश जी, लॉर्ड गणेशा, इनकी कई कई मूर्तियाँ, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के सबसे ज़्यादा पोज में गणेश भगवान ही मिलते हैं, तो मंदिर में कई टाइप के गणेश जी वो रख लेते हैं। शास्त्र में कहा है कि 3 गणेश अपने पूजा के आले में कभी भी नहीं रखना चाहिए, जाके पूजे 3 गणेश ऊ के घर चिंता प्रवेश। तो एक गणेश जी आप रखिए, ज़्यादा हो तो 2 रखिए, 3 तो भूल के भी नहीं रखना, ऐसे शास्त्र में आया हुआ है पूरा। फिर पूजा घर को या पूजा के आले को पर्दा लगा के रखना चाहिए, ढक कर, सुबह सुबह 2 3 घंटा खोल लीजिए,
फिर आप बढ़ा दीजिए। पब्लिक मंदिर भी 12-1 बजे बढ़ जाते हैं। कहा गया है कि भजन भोजन खजाना नारी ये सब पर्दे के अधिकारी, भजन यानी पूजा पाठ का आला ये, और भोजन देखा होगा बुज़ुर्ग लोग दादाजी वगैरह खाना खाते थे तो ऐसे पीछे घूम जाते थे, और तिजोरी सामने दरवाजे के नहीं रखनी चाहिए। यानी भजन भोजन खजाना नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। तो 2-3 घंटा आप सुबह सुबह अपना पूजा का आला खोल लीजिए या पूजा का जो छोटा कमरा है उसको खोल लीजिए, फिर उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। पूजा के आले के या पूजा घर पर कभी भी ताला नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों को मैंने कई घरों में देखा है, क्योंकि उसमें चांदी की मूर्तियाँ वगैरह होती है तो जब बाहर जाते हैं तो वो ताला लगा देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान के आला या जो रूम है या जो जगह है उसके ताला नहीं लगाना चाहिए। अब कोई भी मूर्ति एक दूसरे से सटी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे एक जगह बालाजी की है, महावीर भगवान की है, दुर्गा जी की है, कई मूर्तियाँ रख लेते हैं। कोई भी मूर्ति को दूसरे मूर्ति से सटा के नहीं रखना चाहिए। और नई मूर्तियाँ पीछे की जो दीवार है, जो आपके पूजा का आला हो या पूजा रूम हो, पीछे की दीवार के भी सटा के मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, ऐसा अपने शास्त्र में कहा गया है। कई जगह मैं देखता हूँ कि भगवान का बड़ा मंदिर बनाया है घर में, घर की बात कर रहा हूँ, घर में, उसमें चारों ओर लाइटिंग कर देते हैं जो जगबुज होती रहती है, ऐसे दिन भर रात भर 24 घंटा ऐसे जगबुग होती रहती है। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का चारों ओर ओरा बनता है, एनर्जी लेवल ओरा। कई बार देखा होगा आपने हैं बाहर भगवान के पीछे एक चक्कर सा दिखता है, वो उनका ओरा आभा मंडल है, तो उस लाइटिंग से वो डिस्टर्ब होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए ये जो जगबुज वाली लाइटिंग आप सब करते हो ये मेरे हिसाब से करना ठीक नहीं है। मंदिर में कोई भी मूर्ति, ये तो आपको मालूम है कि खंडित मूर्ति नहीं रखते, चाहे कोई भी धातु की हो, चांदी की हो, सोना की हो, पत्थर की हो, कोई भी मूर्ति हो, खंडित मूर्ति तो रखते ही नहीं है। दूसरा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मूर्ति ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाली या ऊपर की ओर दृष्टि जिनकी, ऊर्ध्व दृष्टि और अधो दृष्टि, एकदम नीचे की ओर दृष्टि और एकदम ऊपर की ओर दृष्टि, यह भी अपने ग्रंथों में मना किया गया है कि सम दृष्टि ही श्रेष्ठतम मूर्ति मानी गई है। कई लोग ये पूछते हैं कि हमारे घर में कोई पितर हैं, कोई पितराणी जी हैं, उनकी फोटो भी हम क्या मंदिर में रख सकते हैं? उनकी फोटो सब भगवान के साथ मंदिर में नहीं रखना चाहिए। भले ही बगल में आप एक अलग से कोई आला बना दीजिए, उसमें आप अपने पितर जी की या जो आपके श्रद्धा के हैं वो आप रख सकते हैं। मंदिर के बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर मंदिर पिरामिड शेप का हो, ऐसे वो श्रेष्ठतम माना गया है। जैसे पब्लिक मंदिर में ऊपर गुंबद होता है, उससे कहते हैं मूर्तियां अंदर जो होती है वो एनर्जाइज्ड ऊर्जा युक्त रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो घर के मंदिर में भी अगर आप आला लगाते हैं तो ऐसे जो ऊपर से पिरामिड आकार का होता है, पिरामिड वो पूरा होना चाहिए, नीचे से अगर आप हाथ डालें तो पूरा चोटी तक जाना चाहिए। आजकल जो बनाते हैं वो बीच में स्लेब लगा देते हैं और ऊपर ऐसे त्रिकोणा दिखा देते हैं, उसमें वो असर नहीं है। तो पिरामिड आकार का पूजा घर श्रेष्ठतम माना गया है, चाहे पूजा का आला हो। अगर आपने पूजा का कमरा बनाया है तो वो पूजा का कमरा हमेशा पूरा बंद हो के उसकी वो कुंडी नहीं लगेगी, थोड़ा सा उसको आप थोड़ा सा साइड से खुला हुआ रख दीजिए, ऐसा अपने शास्त्रों में कहा गया है। कई लोग कई प्रकार की फोटोएं और मूर्तियां जगह जगह लगा देते हैं और उनकी ये धारणा होती है
कि जब हम दुकान से ऑफिस आएँ तो सबसे पहले चारों ओर हमको भगवान के दर्शन हों, या जब हम ऑफिस दुकान फैक्ट्री जाएँ तो सब जगह भगवान के दर्शन होते रहें और हम जाएँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कोई पूजा के आले के पास या पूजा जो रूम बनाया है या पूजा के लिए जो जगह निश्चित की है वहाँ जाके अगर आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा, स्वयं ही लगेगा कि मैं कहीं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ मेरे को शक्ति मिलती है, जहाँ मेरे को उच्च विचार आते हैं। ऐसे चारों जगह भगवान की फोटोएं मूर्तियाँ रख देना, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से उचित नहीं रहता। अब कई लोग कहते हैं कि मंदिर कितना ऊंचा होना चाहिए। देखिए वैसे तो शास्त्र में कहा कि नाभि से ऊपर मंदिर रखना चाहिए। अगर आप खड़े होकर पूजा करते हैं तो कहते हैं नाभि से ऊपर शुद्ध माना गया है, तो नाभि से ऊपर पूजा का वो आला रखना चाहिए। कई लोग जब बैठ के करते हैं तो भी एकदम ज़मीन पे तो नहीं होता, एक डेढ़ सवा दो फुट कम से कम ज़मीन से भी ऊपर रखिए, ताकि बैठने के बाद भी हमारी नाभि से वो मंदिर का स्थान ऊपर रहे।